किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 60 दिनों के आसपास की हो चुकी है और जो अगेती वेराइटियाँ हैं जैसे कि 20, 34, 95, 60 उनमें अब फलियां बन चुकी हैं और फलियों में दाना पड़ने लग गया है। तो इस समय पर सोयाबीन की काफ़ी ज़्यादा देखरेख करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इस स्टेज में हमारी एक गलती से सोयाबीन की फसल पूरी खराब हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि सोयाबीन में 60 से 75 दिनों के बीच में कौन कौन से काम करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे पौधा एकदम स्वस्थ रहे, दाना भराव अच्छा हो और पैदावार अधिक हो। तो इन सभी की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, इस समय पर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की कमी देखी जा रही है। तो अगर आपके क्षेत्र में भी बारिश नहीं हो रही है तो आप खेत में दरारें पड़ने से पहले स्प्रिंकलर से सिंचाई करना शुरू कर दें क्योंकि इस स्टेज में अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर दाना भराव सही नहीं हो पाएगा। इनके अलावा अगर आपके सोयाबीन में रिंग कटर का अटैक देखने को मिल रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए दवाई ज़रूर डालें क्योंकि इस समय पर रिंग कटर पूरे पौधे को काट सकता है जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रिंग कटर को कंट्रोल करने के लिए आप थाइक्लोरपिड 21.7% SC मतलब बायर अलांटो का 300 ml प्रति एकड़ या प्रिपिनोवास 50% SC मतलब सिजेंटा क्यूरा क्रोन का 500 ml प्रति एकड़ या इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG का प्रयोग 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। उसके अलावा सोयाबीन में बड़ी अवस्था में तंबाकू इल्ली, चने की इल्ली या फली छेदक इल्ली का अटैक देखने को मिल रहा है तो इन इल्लियों को कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह इल्लियाँ भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आप फ्लूबेंडियामाइड 39.35% SC मतलब बायर कंपनी की फेम का 60 ml प्रति एकड़ या क्लोरेंड्रा नीली प्रोल 8.5% SC मतलब FMC की कोराजन का प्रयोग 60 ml प्रति एकड़ या क्लोरेंड्रा नीली प्रोल प्लस लेमड़ा साइलोत्रिन ZC मतलब सिजेंटा की एम्प्लिगो का प्रयोग 80 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्प्रे में फंगीसाइड डाल देते हैं तो इस समय पर सोयाबीन में किसी भी प्रकार के फफूंद जनित रोग का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस समय पर फंगीसाइड के रूप में ज़्यादा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस समय पर पौधे को कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि सोयाबीन में 4 दानों की फली बनती हैं और उसमें दाने 3 ही बन पाते हैं और कई बार दाने छोटे ही रह जाते हैं। तो पौधे को पूरी तरीके से परिपक्व होने के लिए इस समय पर पोटाश की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए इस समय पर आपको NPK 0050 का स्प्रे जरूर करना चाहिए। NPK 0050 में 50% पोटास और उसी के साथ 17.5% सल्फर भी होता है। 0050 के प्रयोग से सोयाबीन का दाना भराव सही तरीके से होगा, फलियों में दाना एक समान भरेगा, दानों का आकार बढ़ेगा, सल्फर दानों में तेल भराव का काम करेगा। 0050 का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से करना चाहिए और इसकी मात्रा रखनी है 700 ग्राम प्रति एकड़ और 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में 70 ग्राम। आपको 0050 के साथ बोरान का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए क्योंकि बोरान के प्रयोग से दानों का आकार बढ़ेगा, दाना चमकदार बनेगा जिससे सोयाबीन अधिक भाव में बिकेगा। अगर बोरान का प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा रखनी है 250 ग्राम प्रति एकड़ और 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में 25 ग्राम। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने विस्तार से सोयाबीन में 60 से 75 दिनों के बीच में कौन कौन से काम करना चाहिए इसके बारे में बात की है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।